और 77 में पार्टी ने कहा कि आप जनता पार्टी की ओर से कपड़ों लोकसभा से कैंडिडेट बनिए, और उस समय लेट मी थैंक्स जनसंघ पीपल, मे बी आरएसएस पीपल, जिन्होंने हमारी पहचान दी, हुईज वागेला, उसकी जो पहचान दी। इधर से मेहरबानी करके बंद करिए, स्टॉप इट नाउ, उधर से रास्ता खोलिए, सॉरी। तो वो जो मामला है, जिन्होंने हमको कोई बनाया, इन्होंने कभी नहीं कहा कि आपने हमको ये दिया वो दिया। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम एमपी एमएलए मुख्यमंत्री बनाने वाले में से है, बनने वाले में से नहीं। इतिहास है, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन बनेगा हम तय करते थे, एमएलए कोई बनेगा हम तय, राज्यसभा में कौन जाता हम तय करते थे, लोकसभा में कौन जाएगा हम तय करते थे। और ये चीज जो हुई वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी गुजरात में, उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, इसकी रिपीटेशन में मैं नहीं जाता। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता पार्टी बनी और गवर्नमेंट हमारी बनी, तो उस गवर्नमेंट में भी हमने सामने से गवर्नमेंट छोड़ दी। हम चाहते तो और 2 साल चला सकते थे विद द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। हमने वो राष्ट्रीय जनता पार्टी आगे नहीं चलने दिया, सरकार छोड़ दी, लोकसभा के साथ चुनाव आए, रिजल्ट जो भी आता है, हर बार हारना जीतना कोई वो नहीं होता है कि आप जीते तभी राजनीति होती है, हर जीत चलती है, वो तो चक्र है, चलता रहेगा, तो पीपल टू डिसाइड। उस समय वोट का विभाजन न हो तो आई डिसाइडेड विद अलोंग विद अवर कलीग कि बेटर टू ज्वाइन कांग्रेस पार्टी। मैडम गांधी का मैं आभारी हूं, इन्होंने हमको यहां गांधीनगर, मतलब अहमदाबाद आकर बापू नगर के स्टेडियम में इन्होंने हमारे साथ जो है वो कांग्रेस में ज्वाइन किया। और कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद आज तक एक भी राइट लेफ्ट, एक नॉट अ सिंगल इंसिडेंट्स हमारे बारे में कही कि हमने कहीं एंटी पार्टी या कहीं कांग्रेस को नुकसान हो, ऐसा एक भी काम नहीं किया। कईयों ने किया होगा, मैं किसी के नाम में नहीं जाता हूं, लेकिन मैं एज अ पार्टी वर्कर आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। सोनिया जी का मैं आभारी हूं कि इन्होंने हमको ब्रांडेड होने के बावजूद भी पार्टी के अध्यक्ष बनाया था, कांग्रेस पार्टी के। 2004 में सरकार बनी तो फोन करके कहा कि भाई आप मंत्री बनिए। तो ये जो मामला है, आज तक जो जो होना चाहिए वो उसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से हमको पूरा सहयोग मिला, वर्कर्स का भी पूरा सहयोग मिला, कभी किसी का, और हमने भी हो सके इतना देने की कोशिश की है, जो दिया वो लिया, ठीक है उस समय जो हिसाब किताब होगा वो। लेकिन अब जब यहां इतने साल के बाद मेरा जो आज का इश्यू है कि भी लेट अस डू सम होमवर्क रिगार्डिंग कमिंग असेंबली इलेक्शंस, दिसंबर का जनवरी होने वाला नहीं है, 2017 दिसंबर के बाद, नवंबर में इलेक्शन हो सकता है, वो दिसंबर के बाद नहीं होना है, होना ही है। तो जब जब नक्की है इलेक्शन, तो डू सम होमवर्क रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। हमने जो कहा कि ये होमवर्क नहीं होगा, तो जब एग्जाम होती है तो स्टूडेंट मेहनत करता है, तो प्रजा के सामने जब हमारी परीक्षा होगी 2017 में असेंबली की, तो कौन जाएगा? तो आज से कहिए उस स्टूडेंट को, उस कैंडिडेट को, गो जाओ, कांटेक्ट करो वोटर्स का, घर पर जाओ, ये बताओ वो बताओ। यानी कि एडवांस में पार्टी जो है उसमें अपना परिचय, अपनी बात वो वहां पहुंचाए, और इस हिसाब से ये जो फिलिंग द गैप वाला मामला है कि एडवांस में 182 पसंद करिए, एडजस्टमेंट करना है तो तय करिए, ऑनेस्टली तय करिए कि एनसीपी के साथ बैठना है, जेडीयू के साथ बैठना है, नहीं बैठना है, आज से तय करिए, और बैठने के बाद पूरा ऑनर करिए, उसको चीटिंग नहीं करना चाहिए। ये जो मामला है, और जितने लोग लड़ेंगे वो दी हैंड पर लड़ेंगे, कोई
दूसरे निशान से लड़ने वाले नहीं है जो कांग्रेस पार्टी के लोग होंगे, वो मेरे अपने घर के नहीं होंगे। मैंने रिपीटेडली ट्वाइस आई टोल्ड कि मैं सीएम का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं सीएम पद के चक्कर में नहीं हूं। आई एंजॉय चीफ मिनिस्टरशिप ट्वाइस। मैंने दो बार कहा कि पब्लिकली सबके बीच के मैं सीएम का कैंडिडेट नहीं हूं। आई एंजॉय सीएम क्या चीज है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, ये सब कहने के बावजूद भी जानबूझकर आफ्टर मेजोरिटी यू विल बी द चीफ मिनिस्टर। आई से आई एम सॉरी, लेट अस बी अप टू मेजोरिटी, साथ में तब तक रहिए मेजोरिटी लाने तक, उसके बाद मैं नहीं हूं। आप जिसका भी कहेंगे मैं प्रपोज करूंगा इसको बनाओ सीएम। ये जो मामला है जानबूझकर कहीं ना कहीं से, मे बी वो मीडिया की लिबर्टी हो जो भी है, ये कहा जाता है कि हम सीएम के चक्कर में है, जब मैं दो बार पब्लिकली कह चुका हूं कि मैं नहीं हूं। और इसलिए मैं एडवांस में होमवर्क करना चाहता हूं, और ये होमवर्क करने से मैं कहता हूं कि हो सकता है कि हम मेजोरिटी तक पहुंचे, गुजरात में ये संभावना है। लेकिन एक डेढ़ महीने से जो भी है प्रेस में टीवी में जो कहा जाता है चीप पॉपुलैरिटी के लिए, जो कैरेक्टर एसेसिनेशन का काम हो रहा है, ये लोकशाही के चौथे खंभे को भी ये राइट नहीं है किसी को पर्सनल कहने के बारे में विदाउट कंसल्टिंग हिम, विदाउट टेकिंग हिज परमिशन, इट नोबडीज राइट। आप किसी के बारे में अनाप शनाप लिख नहीं सकते, बता नहीं सकते, ये हो रहा है डेढ़ महीने से, यू हैव नो राइट। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी है किसी का कैरेक्टर एसोसिएशन जानबूझकर मत करिए, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, डेमोक्रेटी के चौथे खंभे है आप, आपको लोकशाही संभालनी है। और इसलिए जो मैं आज कहता हूं वही पब्लिकली कहता हूं, मैं आपको एक कहूंगा दूसरे को दूसरा कहूंगा नहीं। और आपके कहने के बाद भी अगर कहीं आप गलत भी हैं तो भी मैंने नहीं कहा कि ये ऑफ द रिकॉर्ड था, आपको प्रॉब्लम हो ऐसा कभी मैंने नहीं कहा, कभी कंप्लेन भी नहीं कहा। ठीक है, आप है कोई बात नहीं, हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आज तक जो हो रहा है उसके बारे में एक क्लियर स्टैंड मेरा जो है वो मैंने आपको क्लियर किया है। और आखिर जो भी अभी हो रहा है इस हिसाब से हमारे जो दोस्त है कलीग है इन सबको मैं दो चार दिन के बाद फर्ज कीजिए कि मैं ये 24-25 को रथ यात्रा है तो 24 को एक दिन पहले गुजरात के जितने भी मेरे 500,000-1500 जो भी लोग होंगे इनको मैं मिलूंगा, इनको कहूंगा कि आप कहिए कि मेरा ये जो स्टैंड है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए इसमें आपका क्या कहना है। वो हमारे जो कलीग होंगे वो जो कहेंगे वो मैं 24 तारीख को 3 बजे गांधीनगर में सिविल हॉस्पिटल का एक ऑडिटोरियम है उसमें मैंने कहा है और अभी आपके माध्यम से कह रहा हूं। जो लोग कंसल्टेशन मेरे कलीग रहे, साथ में रहे, सुख दुख में रहे, इनको मैं पब्लिकली अपील करता हूं कि आप आइए, मेरे को कहिए क्या करना चाहिए इसमें, व्हाट आई हैव टू डू। अभी जो हो रहा है इसके बारे में 24 को जगन्नाथ मंदिर जी, जगन्नाथ जी के वहां ऑपोजिशन एक दिन पहले जाता है रथ यात्रा के दिन, रथ यात्रा के दिन सरकार जाती है, तो एज अ ऑपोजिशन मैं जाऊंगा जगन्नाथ मंदिर, आरती उतार कर हमारे जो दूसरे जगन्नाथ वाले होंगे हमारे नाथ, इन सब से कंसल्टेशन करके फिर आगे क्या करना चाहिए वो मैं उस समय आपको फिर बताऊंगा। इसके बारे में जो भी आपको पूछना है पब्लिकली प्रेम से यू मे आस्क वन बाय वन, आई विल रिप्लाई यू अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द बिग कॉन्फ्रेंस। थैंक यू सर। आपको क्या माना जाए कि शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस से अलग हो रहे हैं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा 24 तारीख का? मैं समझता हूं कि 24 को लेट द 24 कम, ये मैं अभी 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 पार्टी एज अ लीडर ऑपोजिशन आई एम टॉकिंग टू यू, मैं विपक्ष के नेता के कांग्रेस पार्टी के असेंबली के नेता की हैसियत से बात कर रहा हूँ, उस समय भी मैं कांग्रेस की हैसियत से बात करूंगा, वो चीज आएंगी। अच्छा आप भी आ सकते हैं, डोंट वरी यू मे कम, आप वहां सुन सकते हैं, लेकिन वो सुनते हैं तो पूरा उसमें से आप कहना आपको ठीक लगे ऐसा नहीं, जो आपको लगे कि ये ठीक है वो उस समय भी आप कह सकते हैं। यू आर कॉर्डियली इन्वाइटिंग, आई एम इन्वाइटिंग यू ऑन द वेरी डे। किसको? कांग्रेस प्रमुख को भी बुलाएंगे? नहीं, सब ये मेरे सपोर्टर जो होंगे, ये चीज हो रहा है इसमें दुनिया भर से फोन आते क्या करें बताइए, अभी भी लोग हमको क्या करना है, यू टू डिसाइड क्या करना है, नॉट चौका,
विदिन पार्टी ये सिस्टम है, ये सब पार्टियों में है, इसमें नथिंग रॉन्ग इन इट। ये कोई आई एम नॉट अनहैप्पी, आई वॉन्ट सम होमवर्क जो होना चाहिए वहां से ये वर्क होना चाहिए, इट्स माई डिमांड, नॉट अनहैप्पी, माई डिमांड कि ये एग्जाम परीक्षा मतलब आ रहा है इलेक्शन तो वी शुड बी रेडी। 11th आवर 2012 में 28 से 30 कैंडिडेट 11th आवर देने भाई, नो आई एम सॉरी, ये नहीं करना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, लेट दे हम टू से नहीं आ रही है, मैं यहाँ बैठा हुआ है एलओपी, नहीं तो सोनिया गांधी को नहीं लिखा है मैंने कोई पत्र सोनिया गांधी को। बाबू जी धारासभ्य बैठक कर रहे हैं, पत्रकार परिषद योजी हती कि हमें भाजपा नहीं जवा नहीं बाबत शू कहू छे जे एमएलए पत्रकार परिषद में खुले आम कीधु तू कबे लोको नहीं जवा ना। हां बराबर छे, ये धारासभ्य साचा छे भाई, वो तो के आपका जो समर्थक धारासभ्य छे तेओ कह रहा छे, आमा मारा समर्थक 57 ने विरोध पक्ष ना 3 એટલે આટલા લોકો મારા સમર્થન માં છે। 24 મે ધારાસભ્ય કોઈ નહીં, મને એ સમજ, લેટ મી સે, જો પ્રોગ્રામ હોતે હે મેં નહીં કરતા કુછ, ઇટ નો માય બિઝનેસ, ઓકે વન બાય વન પ્લીઝ, મેં જહાં કહા જાતા હૈ વહાં મેં જાતા હું ઓર નહીં જાતા હું વહાં મેં કહેતા હું કે મેં નહીં આ સકતા। વિધિન પાર્ટી કહાં જાના કહાં નહીં વો કોઈ ઇશ્યુ નહીં આપકો હોના ચાહિયે, मैं वहां जाता हूं। अभी 28 की भरत सिंह की मेरी बात हुई, मैंने कहा मैं 28 को आऊंगा, ये चीज नहीं है, कहीं नहीं जाना है तो वो भी हमको कहते हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं भी कहता हूं मैं नहीं जा पाऊंगा, इट्स नॉट एन इश्यू। बापू 2017 का इलेक्शन क्या बापू कांग्रेस में से लड़ेंगे? अरे अभी तो जो मामला है 24 को मिलेंगे, पूछेंगे फिर जो फीलिंग होगा आई विल कन्वे हाईकमान। मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ, एक एक क्यों नहीं, इट शुड बी लाइक अ असेंबली, यू मे रेज योर हैंड, लेट द स्पीकर अलाउ यू के यू शुड आस्क मी ऑन। नो आई एम सॉरी, मैं बीजेपी में जाने वाला, मैं इधर अलग पार्टी मैं बनाने वाला, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के उसमें यहाँ कहा खजुराहो वाज अ पावर पॉलिटिक्स, ये ऑपोजिशन है, वो रूलिंग पार्टी थी, कंपेयर वो करे जो हो सकता है, वो रूलिंग पार्टी थी, ये विरोध पक्ष में है। नहीं हम नहीं करते, आई डोंट थिंक सो, नो ऐसा कोई नहीं कह रहा। बाबू एक सवाल, बाबू एक सवाल मेरा है, आपको कांग्रेस मतलब सैद्धांतिक नाराजगी है कि व्यक्तिगत नाराजगी? व्यक्तिगत भी नहीं, सिद्धांतिक होमवर्क की, होमवर्क शुड बी इन एडवांस। आई कन्वेट द मैटर टू हाई कमांड, अहमद भाई, सोनिया जी, राहुल जी, अशोक गहलोत। कपूर जी, कपूर जी पछी तब, हाँ પીપલ ટુ ડિસાઈડ, મેરે હિસાબ સે તો મે કોઈ ગિના સકતા હું તો નોટ, અત્યાર સુધી તો તમે એને ખૂબ ગાળો આપી, અત્યારે
मैं समझता हूँ कि 3 साल का हिसाब किताब पीपल टू डिसाइड इलेक्शन में हमको तय नहीं करना है। हाँ, इतने दिनों तक आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिला, आप जो होमवर्क की बात कर रहे हैं वो नहीं मिला, 24 तारीख तक भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, મને કીધું છે, હું આઈ વિલ આઈ હઈશ તો હું જઈશ ત્યાં। ચોવીસ મે હોય જશ્ન મનાયેંગે। ઓકે, થેન્ક યુ, લેટ અસ હેવ અ બ્રેકફાસ્ટ। તો શંકરસિંહ વાઘેલા।